जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। चुनाव का माहौल लगता है फिर से वापस आ रहा है, बहुत पुराना हो गया था हजारीबाग में, कुछ दिख नहीं रहा था गतिविधि। हजारीबाग के शैलेंद्र यादव हैं जिन्हें जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आइए जानते हैं कैसे इन्होंने राजनीति शुरू की और पहले क्या कर रहे थे, क्या नेतागिरी पहले से कर रहे थे कि अचानक इनको लाके बना दिया गया है। शैलेंद्र जी बताइए अपने बारे में, कैसे शुरुआत। धन्यवाद और सभी दर्शकों का झारखंडी जोहार। मेरा राजनीतिक करियर यही कांग्रेस कार्यालय में 97 से स्टार्ट हुआ। 97 से जी, 97 में पहली बार इस कांग्रेस ऑफिस के प्रांगण में मैं पैर रखा था, मतलब 25 साल। जी जी, क्या बात है। तो उस समय मुझे नगर NSUI का, हाँ, छात्र राजनीति में नगर कमेटी में मुझे नगर महासचिव बनाया गया था। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मुझे कांग्रेस पार्टी के विचारधारा और आदरणीय सोनिया गांधी जी का जो संदेश था, जो लोगों के प्रति एक आपसी भाईचारगी का जो संदेश था, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और धीरे धीरे छात्र राजनीति में मेरी दिलचस्पी और बढ़ती चली गई। क्योंकि उस समय मैं भी एक छात्र था और छात्रों की समस्या को मैं अपनी समस्या समझकर बखूबी उनके साथ उनकी समस्याओं को हल करने का अर्थक प्रयास करता था। अच्छा, तो कहाँ पे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में थे, क्या थे? सेंट कोलंबस कॉलेज में मैं उस समय पढ़ रहा था। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का जो भी व्याप्त उस समय बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार लिप्त थे और ये हजारीबाग के सारे मीडिया वाले, मेरे प्रेस के सभी बंधु लोग जिनका कॉपरेशन भी रहा था और जिन्होंने बहुत अच्छा कवरेज दिया था, एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 2008-09 के आसपास में वहाँ पे एक घोटाला हुआ था जिसका पर्दाफाश RTI के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से छात्रों के हित में उन्हें लाभ पहुँचाना, क्योंकि मेरा मानना था कि जो भी छात्र पढ़ने आते थे वो एक साल और दो साल का कोर्स करते थे और फिर वो या तो नौकरी या फिर अगर लड़कियाँ होती थी तो ज़्यादातर शादी करने के बाद फिर वो घर चली जाती थी, लेकिन जो भ्रष्टाचार और जो अव्यवस्था विश्वविद्यालय और कॉलेज में हुआ करता था उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना मुझे लगा कि ये एक अच्छा काम है और हजारीबाग के लिए ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये हजारीबाग अपना है और जितना खूबसूरत हम लोग इसको बना सकते हैं उसमें हर लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद जब छात्र राजनीति खत्म हुई तो फिर आप यूथ कांग्रेस में भी आए? सबसे ज़्यादा ये रहा कि छात्र राजनीति में 25 वर्षों के बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ था विनोबा भावे विश्वविद्यालय में और उस चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने अपने कैंडिडेटों को NSUI के जो लोग थे उस समय चुनाव जीत के आए और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हम लोग एक गठबंधन बनाए थे। अच्छा। उस समय भी माननीय आदरणीय हेमंत सोरेन की सरकार थी, शिबू सोरेन की, तो एक गठबंधन के तहत हम लोगों ने रणनीति बनाकर एक चुनाव लड़ा और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 3 सिंडिकेट मेंबर हम लोग अपना बनाए थे, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी उस समय हमारे तत्कालीन झारखंड के प्रभारी श्री आदरणीय अजय माकन जी थे, उनके नेतृत्व में धनबाद में एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मुझे झारखंड का सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष से NSUI का नवाजा गया था। NSUI का पूरा जिला आप देखते थे पहले? जी जी, NSUI का जिला देखते थे और उस समय रामगढ़ जिला भी हजारीबाग में भी हुआ करता था। अच्छा। रामगढ़ में भी हमारा कमेटी चलता था। उसके बाद फिर मुझे OBC का जिला संयोजक बनाया गया। हाँ। उसमें मैंने करीबन 2 साल काम किया। फिर उसके बाद इंटक में भी कुछ समय काम किया, OBC के प्रदेश में भी कुछ समय काम किया। फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस, आदरणीय राहुल गांधी जी का एक सोच आया था कि नेता बनो और नेता चुनो। ये एक सोच था कि अगर आप किसी बड़े नेता अगर आपको नहीं चाहते हैं और कोई अगर प्रतिभा या कोई अगर नए लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ओपन डोर खोला गया। अच्छा। चुनाव के माध्यम से और ये NSUI और यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का ये दो एक ओपन इलेक्शन होता है। हाँ। जिसमें हम लोग मेंबरशिप करते हैं, मेंबरशिप के दौरान फिर वोटर बनाते हैं और वही वोटर वोट करते हैं। अच्छा। तो फिर यूथ कांग्रेस में भी आप निकल के आए? यूथ कांग्रेस में मैंने 2017 में मेंबरशिप किया था और
पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा वोट लाके यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष भी बना झारखंड में। जी जी, क्या बात है। तो उस समय अध्यक्ष भी बना, उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस का जो भी दायित्व मुझे प्रदेश से और राष्ट्रीय स्तर से मिला वो सारा मैंने किया। जैसे हम लोगों का एक सबसे बड़ा रहा था कि भाजपा के खिलाफ हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, जिसमें भाजपा सरकार हम लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, आंसू गैस के गोले भी चलाए थे और वहां पे लाठियां भी चली थी, बहुत लोग चोटिल हुए थे। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गौरव सिंह जी थे तो उन्हें भी काफ़ी चोट आई थी। उसके बाद हम लोग निरंतर इसमें काम कर रहे थे। कोविड के समय भी राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा कोविड में एक बनाया गया था जिसमें प्रवासी मजदूरों को वापसी के लिए जो लाया जा रहा था उसमें दो दो तीन तीन बजे रात तक हम लोगों को फोन आता था, कभी गुजरात से कभी महाराष्ट्र से, उन लोगों को लाने का व्यवस्था करना, किसी को ऑक्सीजन घट गया जो जिससे हो पाया राशन का वितरण करना, ये सब हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर नगर निगम 2018 में जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, इस विधानसभा इलेक्शन में हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, तो जब कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने आए तो 2014 में जब कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ी थी तो 2014 में उस समय 32 वार्ड हुआ करता था और 32 वार्ड में कांग्रेस को बहुत अच्छा वोट उस समय प्रदर्शन नहीं हो पाया और बहुत अच्छा वोट नहीं आया था। लेकिन इस बार इस चुनाव में मुझे प्रदेश की ओर से नगर निगम का इंचार्ज बनाया गया था। अच्छा, पूरा नगर निगम, पूरा नगर निगम का 36 वार्ड था, 185-86 बूथ था, इसका इंचार्ज मुझे दायित्व दिया गया था प्रदेश कमेटी के द्वारा मेन कांग्रेस का, और तकरीबन इसमें 24,500 वोट आया जो 2014 के मुकाबले बहुत ज़्यादा था, और इसी के में मुझे जनसेवक के रूप में पूरे झारखंड का सर्वश्रेष्ठ जनसेवक के रूप में दिल्ली में मुझे एक अवार्ड और मिला। क्या बात है जी। और आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने एक छोटे से वर्कर, और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी बोलते समय मेरे अंदर से मेरा रोमा भी खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आज मुझे एक छोटे से वर्कर को इतना बड़ा दायित्व दिया है, मैं अपने आलाकमान और प्रदेश के नेतृत्व को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी का सेवा करूँगा और अच्छे से अच्छा कांग्रेस कमेटी बना के। तो ये कितना बड़ा रोल होता है जिला अध्यक्ष बनना, यूथ कांग्रेस से फिर जिला अध्यक्ष आना, कितना बड़ा रोल होगा? देखिए, पहले क्या होता था कि जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तो कुछ गलतियाँ होती थी तो लोग उसे बच्चा समझ के माफ़ कर दिया करते थे। फिर जब यूथ में आए तो बोला जाता था कि लड़कपन है, लड़कपन में भी कुछ गलतियां माफ़ कर दी जाती थी। अब क्या है कि हमारे यहाँ अपने युवाओं का एक टोली और जितने हमारे बुजुर्ग और सीनियर कांग्रेसी है उनका आशीर्वाद लेकर और एक बढ़िया टीम मुझे बनाना है, और इस टीम के माध्यम से आने वाले 2024 का लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस को अच्छे से अच्छा प्रदर्शन और जीत दिलाने का भरपूर प्रयास मेरा रहेगा। यही तो इस बार क्या लगता है हजारीबाग में बदलाव हम लोग देखेंगे कांग्रेस के? देखिए, आज पहला दिन है, मेरी कोशिश रहेगी और मेरा विश्वास कहता है कि अगर टीम अच्छा हो, नीयत अच्छी हो और रणनीति अच्छी हो तो लक्ष्य बहुत दूर नहीं होता है। और ऐसे जैसे दिन भर क्या काम रहता है आप लोग, क्या करते हैं? मतलब ऐसे अध्यक्ष बन गया, बड़ा पोस्ट हो गया है तो दायित्व भी बड़ा है जी। अब 2024 चुनाव की भी बात कर रहे हैं तो किन मुद्दों पे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और क्या लेकर जाते हैं? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से जिस रूट से अभी गुजर रहा है आप देख सकते होंगे कि लोगों का भरपूर प्यार हमारे राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। ये कह सकते हैं हम लोग कि देश में जो भाजपा द्वारा नफरत फैलाई गई, जो भाजपा द्वारा नफरत का बीज बोया गया, लोगों का जो बांटने का काम किया गया, ये जो रणनीति है और ये जो सोच है, राहुल गांधी जी का जो विजन है, ये निश्चित रूप से हम लोगों को हजारीबाग में भी इसका लाभ मिलेगा और हम लोग चाहेंगे कि हजारीबाग अमन चैन के ई में रहे और सबको अच्छा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, यहाँ से कुछ लोग गए क्या वहाँ ज्वाइन कर? जी, गए हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के ही एक साथी है चाईबासा से, वो 150
यात्री जो ऑफिशियली यात्री है 150, उसमें एक वो भी है। अच्छा, यहाँ के झारखंड से गए हैं, चाईबासा के हैं, दीनबंधु बोयपाई नाम है। ऋषिकेश सिंह जी है पलामू से, वो भी पलामू से जाके शुरू दिन से अभी तक उस यात्रा में है, यात्रा में जुड़े। हाँ, उन लोग पैदल ही चल रहे हैं, साथ में ही राहुल जी के साथ में ही चल रहे हैं। और भी हमारे अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी लोग भी सबको और प्रदेश कमेटी लोग गए थे। यहाँ पे भी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, अभी चौपारण में हुआ और भी सभी प्रखंड में हो रहा है। और निश्चित रूप से इस यात्रा को हम लोग और आगे तक ले जाएंगे और इस यात्रा के माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये देश में नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है। आप लोग खुल कर आइए और हम लोगों का साथ दीजिए। तो देखिए, अब युवा आ गए हैं शैलेंद्र यादव जी, तो शायद हजारीबाग में चेंज दिखेगा। और जिस तरह से बता रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, 2024 की रणनीति जो है कांग्रेस अभी से बनाना शुरू कर दी है और क्या बदलाव आएगा वो हम लोग आगे चुनाव में भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और बधाई हो आपको नए पोजिशन के लिए। जोहार हजारीबाग।